नमस्कार, जिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मीडिया ट्रायल में हम उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो जुड़ी होती हैं हमारे और आपके जीवन से। जल ही जीवन है और ये पानी हमें मिलता है हमारी नदियों से, लेकिन दिन पर दिन प्रदूषित होती जा रही हैं नदियाँ, हम सबके लिए चिंता की सबब बन गई हैं। कैसे साफ होंगी हमारे देश की नदियाँ, इसी विषय पर आज हम मीडिया ट्रायल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा, बीजेपी नेता अनंत साहू, नेशनल वाटर एकेडमी के पूर्व निदेशक मनोहर खुशालानी और सामाजिक कार्यकर्ता ओमकारेश्वर जी। पवित्र गंगा का पानी भी अब पीने योग्य नहीं रह गया है। गंगा के पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश की सैकड़ों नदियों का है। नदियों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। नदियों के संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं बनी, लेकिन हर योजना का पैसा पानी में बह गया। मोदी सरकार ने भी नदियों के उद्धार के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दी हैं। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण देश की प्रमुख नदियों में प्रदूषण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंचाई, पीने के लिए पानी और दूसरे उद्देश्यों के लिए नदियों के पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल से चुनौती काफी बढ़ चुकी है। नदियां सबसे ज्यादा नगर निगम के शोधित और अशोधित सीवर और औद्योगिक कचरों से प्रदूषित होती हैं। देश में है 282 छोटी बड़ी नदियां। देश के 423 बड़े और 449 छोटे शहर नदियों के किनारे। 3.3 लाख लीटर कचरा नदियों में डाला जाता है। केवल 70,000 लीटर कचरे के शोधन की है क्षमता। जब तक नगर निगम पूरी तरह से सीवर और औद्योगिक कचरे के शोधन के पूर्ण शोधन की क्षमता हासिल नहीं कर सकते, तब तक नदियों में प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नदियों के प्रदूषण पर नजर रखने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बने हैं। नदियों को साफ करने के लिए राज्य और केंद्र की तरफ से कई योजनाएं बनाई गईं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP की शुरुआत। 20 राज्यों में नदियों में गंदगी पर काम। गंगा यमुना सहित 37 बड़ी नदियों की सफाई का काम। NRCP के तहत अब तक खत्म हो चुके हैं हजारों करोड़ रुपए। खत्म होने के बाद भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अभी तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। देश की सबसे बड़ी नदी गंगा, उसकी सफाई के लिए 1985 में राजीव गांधी के प्रयासों से गंगा सफाई एक्शन प्लान बनाया गया। 1986 में शुरू हुआ गंगा एक्शन प्लान, 22 साल में खत्म हुए 1500 करोड़ रुपए। 2008 में गंगा को घोषित किया गया राष्ट्रीय नदी। पिछले 5 साल में खर्च हुए 2600 करोड़ रुपए। अकेले गंगा में हजारों करोड़ खत्म करने के बाद भी गंगा दिन ब दिन मैली होती जा रही है। दरअसल गंगा में गिरने वाले नालों को लेकर कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई जा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, आपको ये बनाना पड़ेगा मन में कि एक बूंद सीवेज गंगा जी में न प्रवेश करे। अगर ये आप सफल हो जाएंगे, उस दिन गंगा जी स्वयं निर्मल ही हैं। 1986 से जब से कि गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट शुरू हुआ है, तब से लेकर के लोग सिर्फ गंगा जल प्रदूषण और उससे उसके नियंत्रण के बारे में सिर्फ बात करते रहे हैं। जिस गति से गंगा में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जिस गति से गंगा में पानी का प्रवाह कम हो रहा है, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आने वाले दिनों में गंगा नदी की जगह तालाब में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर 45 करोड़ लोगों का जीवन गंगा के ऊपर आधारित है। PM मोदी ने केंद्र सरकार में आने के बाद उमा भारती को केंद्रीय जल संसाधन विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री बनाया। मोदी सरकार गंगा की सफाई के लिए नया कानून लाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए जल संसाधन, वन और पर्यावरण, परिवहन और जहाजरानी मंत्रालयों के सचिवों को कार्य रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। गंगा तो नदियों की नेता है, जैसे मोदी जी देश के नेता हैं। जो पैरामीटर्स हम गंगा के लिए तय करेंगे, वो सब नदियों पे हम लागू करेंगे जी। गंगा के पैरामीटर्स तय हो रहे हैं,
इसमें मुझे कोई कमी कहीं लगती नहीं है, बस एक कॉम्पैक्ट प्लानिंग की कमी थी जो मोदी जी ने तय कर दी कि होगी वो, और इस दृष्टि से हमने सचिवों को जोड़ लिया है, मंत्रालय आपस में जुड़े हुए हैं। एक बार हमने प्रकृति और परमात्मा के मेल को समझ लिया और समझा लिया तो ना धन की कमी है ना जन की कमी है। औद्योगिक कचरे को रोकना होगा, शहरों के सीवर का ट्रीटमेंट करना होगा, बढ़ानी होगी शहर के ट्रीटमेंट प्लांटों की क्षमता, इनके रखरखाव पर रखना होगा विशेष ध्यान। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से भी नदियां हुई जहरीली, जैविक खेती को देना होगा प्रोत्साहन। बांध और बैराज नदियों के प्रवाह को करते हैं प्रभावित, नदियों में जगह जगह बांध और बैराज बनाने से भी नदियों के सतत प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे नदियों के डीस्लेटिंग प्रक्रिया में कमी आती है और इसकी वजह से नदियों में गाद जमा होने लगती है और इससे नदियों की गहराई कम हो जाती है। बारिश के दिनों में बाढ़ आने पर इससे बड़ी हानि होती है। केंद्र सरकार की तरफ से नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। देश की नदियों को सबसे ज़्यादा खतरा शहरी गंदगी, उसके किनारे नदियों के किनारे बसे शहरों की गंदगी और औद्योगिक इकाइयों से है। करीब करीब सारी नदियों का पानी इन दो समस्याओं ने इस हद तक गंदा कर दिया है कि ना वो पीने के लायक रहा है ना वो इस्तेमाल करने के लायक रहा है। ओमकारेश्वर जी, आप लंबे समय से यमुना की सफाई के काम में जुड़े हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इतने प्रयास के बाद भी कुछ मामला आगे बढ़ पाया है। कैसे साफ होंगी हमारे देश की नदियाँ? मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही उम्दा विषय और समय पे उठाया है और आपकी रिपोर्ट्स भी बहुत अपने आप में सभी आंसर्स दे दिए हैं। मैं उसी को फिर से दोहराना चाह रहा हूँ और मैं कम्युनिकेशन लाइन को सोचता हूँ करेक्ट करना होगा मीडिया को और सभी को। क्या गंगा नदी गंदी है या नदियाँ गंदी हैं? सफाई नदियों की होनी है या फिर शहर की होनी है? जब तक हम इस थॉट प्रोसेस में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक कुछ होना संभव नहीं है। अब जो शहर की गंदगी है वो जाकर के नदियों में मिलती है और शहर की सफाई का जिम्मेदारी किसका है, इस पर संवैधानिक स्तर पर अगर आप देखें तो ये कम्प्लीटली जाकर के म्यूनिसपैलिटी के जिम्मे में आती है। पर दुर्भाग्यवश 74वां संशोधन जो है वो जन्म ही लिया विकलांग के रूप में, जिसमें कि राज्यों के ऊपर पे छोड़ा गया है कि वो कब और कितना अपने शक्ति को विकेंद्रीकृत करेगी। और जब आपके पास में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो कोई भी अपने सत्ता को विकेंद्रीकृत करना नहीं चाहता है। ऐसे कंडीशन में यद्यपि हमारे मोदी सरकार के या लोगों के जो है बहुत ही भावना है वो काम करने के लिए, पर मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वाटर जो है वो सब्जेक्ट मैटर है स्टेट का, ना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में लिस्ट वन में नहीं आता है। ऐसे कंडीशन में जहाँ पे अखिलेश यादव ने खुद बोल दिया कि देखते हैं कैसे साफ़ हो जाएगी, एक तरफ आप जब फेडरल स्ट्रक्चर में डिसेंटिंग ओपिनियन देख रहे हैं ममता जी का, वो रेवेन्यू शेयरिंग पर भी क्वेश्चन उठा रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में सेंटर की भावनाओं और कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के साथ में कैसे होगा। अब इस पर हमारा जो सुझाव है वो ये है कि मोदी सरकार बहुत ही थंपिंग मेजोरिटी के साथ आई है, अगर वास्तव में वो समाधान चाहती है तो जो स्थानीय निकाय है, जो लोकल बॉडीज़ है, जो पंचायत हैं, जो म्यूनिसपैलिटी है, उसको वो पुनर्सशक्तिकरण करे, संविधान में संशोधन करे और इतना अच्छा संशोधन लेकर के आए कि उनके पास में प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, फिनांस हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ना कि दुर्भाग्यवश में आप देखिए कि पर्यावरण का मामला हो या कोई मामला हो, पार्लियामेंट पे आपके इश्यूज़ पे डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, लेजिस्लेशन और विधानसभा में होते हैं, पर दुर्भाग्य से जब आप सिटी म्यूनिसिपल के आप सभा में जाएं आपको दिखाई मिलेगा कि कोई उस तरह का की प्रावधान नहीं है। लोग उनको गाली देते हैं कि पार्षदों को कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, पर हम जब पत्थर को मूर्ति बना देते हैं उनके संस्कार करने के बाद और पंच परमेश्वर की बात करते हैं, तो जब तक हम जो लोकल बॉडीज़ में आने वाले हमारे जो लोक नेता हैं उनको पंच परमेश्वर बनाने के क्रम में उनके लिए जब सशक्तिकरण नहीं करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, तब तक ये फार्स है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, ना तो संसाधन की कमी है भारत के पास में, ना तो टेक्नोलॉजी की कमी है भारतवर्ष में, ना तो कमिटमेंट की कमी है। कमिटमेंट में है
कमी दिक्कत हमारे यहाँ गवर्नेंस की। ओंकारेश्वर जी, ज्यादातर जिम्मेवारी स्थानीय निकायों की है नदियों को साफ रखने की, और इसमें नियम कानून का जहाँ तक है तो ये तो देखिए, अगर इच्छा शक्ति है आपकी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नियम कानून उसमें आड़े नहीं आते हैं। दिल्ली में यमुना को साफ रखने के लिए कौन सा प्रदेश और केंद्र के बीच का झगड़ा है, या कौन सा स्थानीय निकायों के और इसके बीच का झगड़ा है? यहाँ तो बाकायदा एक बजट एलोकेट किया गया, सारा प्लान बनाया गया, सब कुछ किया गया, फिर भी नहीं। मैं तमाम कचरा आज भी बदस्तूर यमुना में, पूरी दिल्ली का 58% जो मल मूत्र और एफ्लुएंट है वो जाकर के आज भी पूरी दिल्ली का यमुना में बदस्तूर जारी है। दीवान साहब, उसमें गवर्नेंस का प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो दिल्ली की भी जो म्यूनिसपैलिटी है उसके पास में मैंडेट और अथॉरिटी नहीं है कि वो सीवेज ट्रीटमेंट का सारा काम करे। वो दिल्ली जल बोर्ड करती है। दिल्ली जल बोर्ड किसके अंदर में आती है? दिल्ली सरकार के अंदर में आती है। और म्यूनिसपैलिटी में किसके बहुमत थी अगर पहले के देखें तो भाजपा की थी, और सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो ये जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं, एक विरोध और विपरीत का संबंध है, ऐसे कंडीशन में आप सशक्तिकरण जब तक कानूनन रूप से नहीं करेंगे, इच्छा शक्ति से केवल काम नहीं होता, जब तक फ्रेमवर्क, जब लीगल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत में काम नहीं होगा, इच्छा शक्ति चाहे कितनी भी हो जाए वो काम नहीं होने वाला है। हमारी डिमांड आप लोगों के थ्रू यही है कि हम अपने म्युनिसिपल बॉडी को, आप जो बोल रहे हैं कि मैंडेट है, मैंडेट तो हम बोल रहे हैं पर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है अभी भी, क्योंकि उनके पास में कोई शक्ति नहीं है, उनके पास में कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, उनके पास में कोई टेक्निकल नो हाउ, उनकी कोई टीम नहीं है उनके पास में। उनको एक झुंझुना के तौर पे एक बना दिया गया लोकल गवर्नेंस के रूप में। जी आनंद साहू जी, आप भाजपा आज पूरी बहुमत के साथ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट पर काबिज है। आप चाहे तो जैसा मोदी जी ने भी शुरुआत में ही, चुनाव शुरू होने के पहले भी वो उन्होंने वाराणसी में गंगा को साफ करने की एक संकल्प लिया था, और चुनाव जीतने के बाद एक अलग मंत्रालय बना करके देश की नदियों को साफ करने के लिए उन्होंने एक तरह से अपना कमिटमेंट दिखाया। तो क्या आप किसी भी तरह का लेजिस्लेशन अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए लेके आएंगे, नदियों को साफ करने के लिए कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो सबको बाध्य हो, सबको मानना पड़े? देखिए, सबसे पहले जैसा कि इन्होंने कहा अभी ओंकारेश्वर जी ने, कि बहुत सारे लोकल बॉडीज और ये सब इन्वॉल्वमेंट के कारण जो है वो स्लो हो जाता है सारा काम। मुझे लगता है एक तो NHAI जैसा एक अथॉरिटी जो है, जैसे अभी इन्होंने बनाया नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसको इतना एम्पावर करना पड़ेगा, और सिटी बेस्ड अप्रोच के साथ साथ मुझे लगता है कि रिवर बेस्ड अप्रोच वो भी करना पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि आज जितने रिवर हमारे गंगा नदी से जाके मिलते हैं, छोटी नदियाँ जो हैं, वो सारे नदियों का कचरा भी वो गंगा में समाहित हो जाते हैं। और दूसरा, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने गंगा के ऊपर एक भी मीटिंग नहीं किया। कितना इनसेंसिटिव ये सरकार रही आप गंगा के प्रति। और 20 वर्षों में जो 15,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, 1,000 करोड़ भी उसमें खर्च नहीं हुए हैं। और दूसरा, ये जो कंपनी को इन्होंने दिया है एक DPR के लिए, 2 वर्ष में अभी DPR नहीं बनाया हो, तो ये इतना डेड मतलब प्रोसेस में है ये लोग अभी, ये सारा इश्यूज जो है। और आपको मालूम होगा कि नहीं, जो सीवेज ट्रीटमेंट अभी चल रहा है 900 MLD का है, जबकि मिनिमम अभी इनको 1500 MLD इमीडिएट चाहिए, और आने वाला अगर 30 वर्षों का देखें तो अभी ये 25% भी नहीं है। तो इसका मतलब सीधे तौर पर हम कहीं भी पॉल्यूशन कंट्रोल के प्रति किसी भी लिमिट को हम छू नहीं पा रहे हैं, पार होने का तो बहुत आगे की बात है। दूसरा, इन्होंने ये आज देखिए, जितने भी बोटल प्लांट्स हो गए हैं, बोटल प्लांट्स जितने हो गए, अगर पानी का आप देखिए तो कॉस्ट जो है 15 से 20 रुपया हो गए एक बोतल पानी का, और 1 लीटर भी नहीं होता है उसमें, और 1 लीटर में इतना पैसा वो जनरेट कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए, एक इनके ऊपर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर एक चेकआउट करने के लिए प्रति बोतल अगर 1 रुपया इनके ऊपर डाल दे, और इनको लिमिट डाल दे कि 10 रुपया से ज़्यादा आप एक बोतल पानी नहीं बेच सकते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी ये रेवेन्यू मिल सकता है, और क्रॉस चेक भी होगा कि कितने बोतल ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कितने सप्लाई हो रहा है, ये सारे विषय रेवेन्यू की नहीं है। दूसरा, बहुत अहम बात है, एक अहम बात करने के लिए जी, एक अहम बात, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट RNR जो बेस्ट है वो अप्रोच करना पड़ेगा।
आज जैसे नेशनल हाईवे के अंतर्गत कोई भी आदमी, परिवार, कोई गांव, कोई सड़क, कोई नदी, कुछ भी आ जाए, इमीडिएट क्लियरेंस उसको गवर्नमेंट से, सभी बॉडी से मिल जाता है। नहीं मिलने से भी उनको एक इतना पावर है, उनको एक रिसेटलमेंट का, रिहैबिलिटेशन का उनको एक पैकेज दे करके वो काम को पूरा करते हैं। उस टाइप का जब तक एम्पावरमेंट नहीं होगा, मुझे लगता है ये गंगा सफाई का जो अभियान है ये सपना ही रह जाएगा। जी दीवान साहब, मैं जरा सा साहब साहब से डिफरेंस रखता हूँ, अधिवक्ता होने के नाते और वकील होने के नाते, कानून के विद्यार्थी होने के नाते, ये जो पूरे के पूरे जो ख्वाहिश है कि हम इतनी शक्ति दे दें एक संस्था को कि वो सब कुछ कर दे, एम्पावरमेंट कर दे, सेंट्रल लेजिस्लेशन अगर संविधान के स्पिरिट के मुताबिक, जिसमें कि फेडरल स्ट्रक्चर सबके लिस्ट बने हुए हैं कि कौन किसमें क्या करेगा, अगर आप सोचते हैं कि जो आप जिसके आप चर्चा कर रहे थे साहू साहब, वो जिक्र कर रहे थे स्पेशल पर्पस व्हीकल का, कि जहाँ पर अगर कोई भी बीच में आया तो उसको क्लियर करके उस पर उसका अधिकार होगा, तो वो हमारे अंदाज से वो आपके गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं होगा। आपको कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए आपका लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के लिए अगर वास्तव में मोदी सरकार चाहती है, तो क्या हम पूछ सकते हैं साहू साहब से कि क्या वो 74वां संशोधन को मजबूत करके लाएगी, क्या वो यूएलबी को डायरेक्ट ताकत देगी, क्या उनके पास में फिनांस, क्या उनके पास में पॉलिसी प्लानिंग, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करने का अधिकार होगा, जो कि एनसास किया गया है, रोकूंगा आपको, क्योंकि लीगल चीज तो ठीक है, वो तो सॉर्ट आउट होते रहेंगे, अगर आप इच्छा शक्ति आपकी इतनी मजबूत होगी कि आप तय कर लेंगे कि आपको ये काम करना है तो आप कर लेंगे। लेकिन पिछले अनुभव देखें, पिछले अगर एक गंगा एक्शन प्लान के ही अनुभव को देखें, तो टमटा साहब अरबों रुपया इसमें झोंक दिया गया, नदी की हालत जैसी की तैसी है, बल्कि और ख़राब होती जा रही है, आखिर ये पैसा गया कहाँ? कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी गंगा की सफाई जो एजेंसीज कर रही थी? क्योंकि आप तो बहुत नज़दीक से देखें गंगा सफाई अभियान को। आपकी भी बात सुन रहा था साहू जी, और ओकेश्वर जी की बात सुन रहा था, उससे ही मैं थोड़ा सा बुनियादी रूप से कहना चाहूँगा, सरकार नहीं, सरकार आ गई है, बड़ा लोगों में विश्वास है, भरोसा सरकार ने दिलवाए कि हम गंगा को साफ करेंगे, गंगा माँ की सेवा करेंगे। लेकिन एक बुनियादी जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम गंगा की सफाई को सिर्फ म्यूनिसिपलिटी की गंध से ही ना देखें। देखिए बुनियादी जो चीज़ है, इस देश में नदियां भी जीवित हैं, नदियों को भी जीने का अधिकार है, जब तक इस बुनियादी कंसेप्ट को सरकारें नहीं मानेंगी। और नई सरकार ने तो सबसे पहले आते ही पर्यावरण मंत्री का भी मैं बयान देख रहा था, वाटर रिसोर्स मंत्री का भी बयान देख रहा था कि इन नदियों पर किस तरह से बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना करके उसका उपयोग किया जाए। दूसरी हो गया, हम बड़े बड़े प्रोजेक्टों को क्लियरेंस में कोई देरी नहीं आएगी। जिस मंत्री को गंगा को जीवित रखने के लिए बनाया गया है, वन और पर्यावरण को इसलिए रखा गया कि वो पर्यावरण स्वच्छ रहा, वो अपने कार्यों की जगह दूसरे विभागों के प्रोजेक्ट को क्लियरों की भूमिका है, ये थोड़ा सा शंका पैदा करता है। देखिये एक बहुत महत्व है, गंगा 2500 किलोमीटर की लंबी नदी है, इस देश की बुनियादी सभ्यता संस्कृति की पहचान भी है, और देश की जनता जब आम उठी तो उसको बुनियादी बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान भी बनाया गया, उसके बाद गंगा को एक नेशनल नदी का प्रोजेक्ट भी का स्तर भी दिया गया, गंगा रिवर वाई अथॉरिटी भी बनाया गया। दो तीन बुनियादी समस्या, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा स्टैंडिंग कमेटी का भी, सिर्फ शहरों में ही ड्रेनेज को, शहरों की गंदगी दूर करने का भी सवाल नहीं है। आज जो गंगा है कानपुर से लेकर जो ट्रेनरीज बन रही है, चमड़ा उद्योग है, वो जो प्रदूषण कर रहा है, उसमें म्यूनिसिपलिटी के लोगों क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए कि राज्यों और केंद्र के जो हमारे प्रदूषण बोर्ड बने हैं, ये जो केमिकल्स जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसों के द्वारा जो गंगा और नदियों का प्रदूषण कर रहा है, जिसके कारण विभिन्न तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं,
हमने पटना में जब हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी बनी तो वहाँ साइंटिफिक लोगों की एक्सपर्ट लोगों ने भी राय थी कि वहाँ मछलियों में भी कुछ एक ऐसे एलिमेंट है जिससे कि कैंसर बढ़ने की संभावना। बुनियादी रूप से हमको अपनी नदियों को सफाई करने के लिए सिर्फ लॉ की भी जरूरत नहीं है, लॉ की भी जरूरत नहीं, इतनी बड़ी जरूरत है कि ये जो रासायनिक जो गंगा के किनारे जो नदियों के किनारे बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां अबाध गति से चल रही हैं, जो अपना कचरा नदियों में बेरोक टोक फेंक रही हैं, इसको किस तरह से रोकथाम की जाए। कानून होते हुए भी, कानून होते हुए भी देखिए एफ्लुएंट उनको ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, उसके बाद उसको पानी छोड़ना है नदियों में। जी टमटा साहब, एक जो ओंकारेश्वर जी ने एक समस्या की तरफ आपको शुरू में ध्यान दिया था कि जो हमारी म्युनिसिपल बॉडीज हैं, जो शहरी गंदगी है, शहरों पे जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लोग गांव से वहां आकर के शहरों में बसाहट बढ़ रही है, इलीगल कॉलोनीज झुग्गी झोपड़ियां ये भी बढ़ रही हैं, और जब तक वो रेगुलराइज नहीं होती तब तक वहां बेसिक एमिनिटीज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई भी बॉडी पहुँचाती नहीं है, तो वो सारा का सारा कचरा मिलता है नदियों में जाकर के, उद्योगों के साथ साथ वो भी आपकी गंदगी बढ़ाता है। तो पूरे गंगा एक्शन प्लान में कभी गंगा के किनारे बसे शहरों के गंदगी का मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल दीवान साहब, मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा इसके बारे में। जी नहीं नहीं नहीं, ये है देखिए, इसमें जवाहरलाल नेहरू न्यू अर्बन रिन्यूअल मिशन की जो बुनियादी बात है उसमें ये सारी चीजें हैं कि हर राज्यों को अपने अपने वहाँ ट्रीटमेंट प्लान बनाने पड़ेंगे, जितनी कैपेसिटी है उसको दूर करना पड़ेगा, हर शहरों में जो नदियों के किनारे उनको क्या ग्रीनरी को डेवलप करना पड़ेगा, ये सारे प्लान है। लेकिन बुनियादी रूप से जब तक हम नदियों को जीवित नदियों को न देखें, आज बुनियादी चीज ये भी होगी कि जो अगर आप गंगा और मेन निकलनी हिमालय से निकलने वाली नदियों को वहीं पर ही टनलों में डाल देंगे, नदियों में पानी नहीं रहेगा तो आपका अर्थ क्या है। इसलिए मैंने कहा था पहले तो हमको ये मानना बुनियादी है कि नदियां भी जीवित है, उनका भी अपना जीवन है, उनको भी जिस तरह इंसान जीता उनको भी जीवित रहने के लिए नदियां तो जीवित है मिनिमम, लेकिन हम उनको मार रहे हैं कहीं ना कहीं। मनोहर खुशालानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये नदी का जो इसीलिए तो जी जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे काबिल मित्रों ने जो कुछ कहा है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन इतना खर्चा क्यों हो रहा है? सवाल यह है कि खर्चा इसलिए हो रहा है कि हम लोग बीमारी को पैदा करने के बाद कह रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए। जी मेरे सारे काबिल मित्र इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक इतने प्लांट्स और होने चाहिए, लेकिन जब तक बीमारी होने की वजह को हम समाप्त नहीं करेंगे, बीमारी बढ़ती जाए, कितने भी पैसे आप पूरे पैसे लुटा दीजिए उसमें ना गंगा क्लीन होगी ना यमुना क्लीन होगी, कोई नदी क्लीन नहीं होगी। बेसिक प्रॉब्लम है कि हमारा जो स्ट्रेसेस हैं वो गलत हैं, हमारी पॉलिसी और प्लानिंग गलत है। अगर पॉलिसी सही होगी तो बहुत कम खर्चे में हम लोग इन चीज़ों की सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, हमारे दिल्ली की बात करता हूँ कि दिल्ली में द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बना के छोड़ के गए थे जी। उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का पर्पस क्या है कि सारा जो बारिश का पानी है जो शहर के अंदर आता है वो सीधा नदी में जाता है, उसमें कोई पोल्यूशन उसके अंदर नहीं होती है। अब क्योंकि स्वेज और उन्होंने स्वेज का भी अलग से पूरे चैनल्स बनाए थे, शुरू में हम लोगों का स्ट्रेस था कि स्वेज के जो वो अंडरग्राउंड स्वेज के जो पाइप्स बने हैं सब कुछ लग रहे थे, जो नई नई कॉलोनीज बनती गई और जहाँ पे कई इलीगल कॉलोनीज भी बन गई और तो वहाँ पे स्वेज ट्रीटमेंट का तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अब स्वेज का जो पानी है वो भी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसके अंदर चला गया। दूसरा, अगर आप देखेंगे लोगों ने घरों में अपने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को जो घर के बाहर है उसको कवर कर दिया है पार्किंग की वजह से, तो अब वो पानी साफ पानी अगर एक जगह पहुंच जाए तो आप उसकी वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, वो भी आप नहीं कर पाते हैं। पहले अगर आप जमुना नदी के किनारे जाते तो आप देखते कि बहुत सारे स्वेज फार्म्स थे, मतलब स्वेज से बनी खेती थी तो उसमें पानी नेचुरल तरीके से खेतों में जाता था, गंदा पानी वो मैन्योर प्रोवाइड करता था पानी को और उसके साथ फिर प्योर पानी जो है वो नदी में जाता था, नेचुरल वे था, उसमें कोई खर्चा नहीं था। तो वो भी हमने बंद कर दिया, जो हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो हमने बंद कर दी, तो उसकी वजह से अगर एक कॉलोनी में आप कहेंगे कि चलो सारा जो स्टॉर्म वाटर है एक जगह पे आए और वहाँ पे
उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। फिर हम लोगों ने जमुना नदी के अंदर इंक्रोचमेंट शुरू कर दी। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि इसके नदी के किनारे ना मंदिर होना चाहिए था, ना गेम्स विलेज होना चाहिए था, ऐसी कोई भी पॉपुलेशन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। देयर शुड हैव बीन अ जोन उसके दोनों तरफ जहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होनी चाहिए थी। नदी के रिवर बेड में पहले खेतें होती थी जी। और उस खेत वो खेत भी एक बहुत अच्छा नेचुरल वे में उसको फिल्टर करता था वो सारे खत्म हो गए। हम लोगों ने बुरी तरह से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो हमारा जो सारा जो प्लानिंग है, यानी हम इसी पे दे रहे हैं कि इतने पैसे लगाओ, इतने सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स और लगाओ। आप पहले अगर पानी को गंदा होने ही मत दोगे तो फिर पानी कैसे गंदा नहीं होगा। तो इसको बेसिक लेवल पे नहीं समझा गया है। और सारे जो है इसमें बहुत सारे जो ऐसे वो है, क्या बोलते हैं, जिनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सारी पॉलिसी का स्ट्रेसेस उस डायरेक्शन में ले जाती हैं, जिस डायरेक्शन में खर्चा तो बढ़ता जाता है लेकिन सॉल्यूशन कभी निकल ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ आप करोड़ों रुपए बढ़ा दो, बहा दो नदियों में, लेकिन नदियां ऐसे क्लीन नहीं होंगी जब तक आप उसका जो बेसिक स्रोत है जहां से गंदगी होती है उसको चेक ना करें। एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। बहुत दारोमदार हम लोगों के जो नदियों के किनारे बसे लोगों के आदतों पर भी जाता है और उनके संस्कारों पर भी और उनकी परंपरा के नाम पर भी बहुत सारी चीज़ें जो नदियों में पूजा पाठ के बहाने से लेकर के आप दाह संस्कार करने तक भी जो चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ के लिए लोगों में जब तक जागृति पैदा नहीं होगी वो अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, वो अपने आचार व्यवहार नहीं बदलेंगे। टमटा साहब, आपको क्या लगता है इसके लिए एक सिस्टमेटिक जन जागृति अभियान चलाने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं कि जागृति अभियान चलाने की ज़रूरत है कि हम लोगों के इतने सारे कस्टम्स हैं। जागरण अभियान की भी चलाने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। बुनियादी रूप से मैं अपनी बात कह लूँ जी, बोलिए। देखिए, जो आपने बात की है, जन जागरण अभियान चलाने की भी जरूरत है, लेकिन सिर्फ एक ही पक्ष हमने देखे कि ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज का जो मामला है वो भी नदियों के प्रदूषण का एक हिस्सा है, लेकिन वही बड़ा हिस्सा नहीं है। उसके भी ट्रीटमेंट प्लान की जरूरत है, उसके लिए लोगों को अपने संस्कारों को, आदतों को भी बदलने की जरूरत है। लेकिन एक बड़ा जो नदियों में प्रदूषण हो रहा है, जो सबसे ज्यादा नदियों को और नदियों के अंदर जो लाइफ है उसको 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 खतरा पैदा कर रहा, और उसी के साथ साथ उसी पानी को जो हम उपयोग कर रहे हैं वो मानव जीवन के लिए भी बहुत खतरनाक है, वो है कि नदियों के किनारे जो हमारे बहुत से इंडस्ट्रियां हैं, जहां का जो इंडस्ट्रियल वास्टेज है, वेस्ट है, वो जो बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि कानपुर के आस पास की ट्रेनरीज हैं, चमड़ा उद्योग है, वो क्यों नहीं अपने प्लानों को ठीक से ट्रीट कर करके उस नदियों को फेंकने की उनको इजाजत ही क्यों दी जाए? तो ये बुनियादी चीज हमको अलग जो अलग अलग सोर्सों से नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं उन सब के खतरे का अनुमान लगा के उनके अनुरूप उनके ऊपर भी दंड लगाने की प्रवृत्तियां होने, रोकने की प्रवृत्तियां होनी चाहिए। और लोगों को है आदतें भी बदलने की जरूरत है, ये जरूर है मैं कहूंगा, लेकिन इसके नदियों के विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हो रहे हैं उनके अनुमानों के एक आंकड़ा निकाल लिया जाए, और सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण जो नदियों को नुकसान हो रहा उस पर बहुत बड़ी लगाम लगाने की जरूरत है। और खुद हमने देखा कि इस समय गंगा और यमुना पर ये जो इंडस्ट्रियल वास्ट है इसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा आपके कानपुर से लेकर पटना के बीच में गंगा नदी के पानी पर पड़ रहा है, इस पर सबसे पहले चिंतन की जरूरत है जी। बेसिकली ये रवैये से जुड़ा है हमारा, जो अपना नदियों के प्रति रवैया है। एक तरफ तो हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जिस तरह से सारी चीज़ें, वही हालत इंडस्ट्रीज़ का भी है कि वो भी अपनी गंदगी सारी नदियों में एज इट इज छोड़ देती है। हम भी एज इंडिविजुअल एक व्यक्ति के रूप में हम भी अपना मतलब नहाने धोने तो खैर एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह गंदगी भी डाल देते हैं और जो दूसरी चीज़ें, हम अपनी आदत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये रवैया हर इंसान में जब तक नदी के किनारे रहने वाले एक जागृति नहीं होगी तब तक वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। दीवान साहब, फैक्ट के लेवल पे मैं कुछ अपना शेयर जी बताइए
एक तो पहले टामटा साहब ने जो टेनरीज की बात करी बार बार और इंडस्ट्री की बात करी, तो फैक्चुअली ये गलत है। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण का मामला है वो शहर के द्वारा जो सीवेज है उसका सबसे बड़ा लोड है 70%, और 30% जो है आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का है। फिर उसके बाद अगर आप देखें टेनरीज के बारे में बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को वो जानकारी। एक मिनट, आप बाद में बोलेंगे डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूँ मैं टेनरीज और कानपुर में भी काम कर रहा हूँ इनके मुद्दे गंगा को लेकर। मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। जी जी बोले जी। मैं आप कह लीजिए, मैं एक सेकंड में अपनी बात कहना चाहूंगा। हाँ मैं ये कह रहा था कि एक तो टेनरीज के बारे में हमारा भ्रम नहीं है, साइंस एंड एनवायरमेंट कमिटीज की एक मीटिंग हुई थी जिसको इलाहाबाद, एक मिनट जब आपने बात कही है, इलाहाबाद में मीटिंग हुई थी, बनारस में मीटिंग हुई थी, कानपुर में मीटिंग, वहां केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के एक्सपर्ट की ये राय थी, तमाम अन्य विभागों की राय थी कि ट्रेनेज के कारण नदियों के ऊपर जो वो बह रहे उससे मछलियां मर रही हैं, प्रदूषित हो रही है, उसका मानव जीवन पर असर पड़ रहा है। पटना में साइंटिस्ट लोगों ने भी इस बात को कहा और इस पर रोकथाम की जरूरत बताई है। ये मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। सीपीसीबी का जो 2013 का रिपोर्ट अगर आप उसको देख लें तो उसमें आपको पाकर के फैक्ट्स को जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा। मैं जनमानस में सुधार करना चाहता हूं कि ये टेनरी इंडस्ट्री जो है जो अभी जाजमऊ में है उसकी संख्या 450 करीब है और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तरीके से हैं। उनका जो प्रदूषण कंट्रीब्यूशन है रिवर पे, दीवान साहब आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनका क्वांटम जो मात्रा है वो उतना ज़्यादा नहीं है। और रिवर को अगर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है तो वो आपका शुगर इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जो कि कानपुर में नहीं है। पहले तो मैं ये करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं पे टेनरीज की समस्या बहुत पहले से थी। नहीं 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 कानपुर से पहले की स्थिति है। दूसरी बात ये जो इन्होंने कहा कि खेत में यूज करने का, मेरा कहने का जो चीज पेय नहीं है वो खाद्य भी नहीं है, क्योंकि कानपुर में जो ट्रीटमेंट करने के बाद जो पानी दिया गया खेत में उसका क्या रिपरकशन हुआ वो सभी लोग जानते हैं, कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरा ये कि जो इनका इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी हम लाएंगे, हम लोग खुद भी एक्सपर्ट है इन चीजों का। टेक्नोलॉजी सारा बर्डन गवर्नमेंट भी क्यों डाल रहा है? यानी जो फैक्ट्री पोल्यूट कर रही है उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि पानी को क्लीन पानी को अंदर डालें? आप जिसको टेम्स के बारे में बताते हैं, बर्डन हैज टू बी शेयर्ड। टेक्नोलॉजी के जो नदी के किनारे पहले से जो फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है। वो मैं ये कह रहा हूँ, रिवर बेसिन हम कह रहे हैं आप टेनरी है, कितना पोल्यूशन डालती जाए और सरकारी क्लीन करती रहे, कितना पानी है। ओमकारेश्वर जी, साहू जी, देखो ओमकारेश्वर जी, आप टेम्स की बात कर रहे हो, टेम्स का वहाँ का भौगोलिक स्थिति जो है लंदन के किनारे, वो आगे जाकर के कुछ 100 किलोमीटर जाके वहाँ सीधा समुद्र में मिलता है। उसने एक अलग वहाँ पे ड्रेनेज बना दिया, वो पूरा का पूरा एफ्लुएंट। नहीं सुनिए आप पूरी बात, यहाँ जब गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर में जाके मिलती है 2500 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे शहर बसे हुए हैं और वो सारी की सारी मिला के हम वहां से लेकर के एफ्लुएंट का ड्रेनेज हम गंगा सागर तक नहीं बना सकते। प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें हमें जगह जगह चेक करना पड़ेगा, इंडस्ट्री का रोकना पड़ेगा, शहरों की गंदगी रोकना पड़ेगा, हमें अपनी आदतें बदलना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री किसी नदी के किनारे है तो उस इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसा क्लीन पानी उन्होंने लिया वैसा ही क्लीन पानी रिवर के अंदर जाना है। मेरा ये कहने का है कि अगर आप ये मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है इंडस्ट्रीज की, मतलब लीगल बाध्यता तो होना ही चाहिए, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी भी होना चाहिए। एक बार कंप्लीट करने दे, आप ये कह रहे हैं सिटी बेस्ड अप्रोच करिए और मैं ये कह रहा हूँ रिवर बेस्ड। रिवर में जहाँ जहाँ ड्रेनेज है जो जो अप्रोच बना रहे हैं, मतलब जितना वाटर है इंडस्ट्री नदी के किनारे कितना है वो सारा चीज स्टडी करना। टमटा साहब बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ओमकारेश्वर जी आप उनको सुन लीजिए पहले। जी टमटा साहब, दीवान साहब मैं कहना है कि सिटी बेस या रिवर बेस, हमको एक
पूरी नेशनल नीति नदियों के संदर्भ में बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कि नदी का भी जीवन है, तो नदी के आसपास के जैसे कि कितने मीटर कितने किलोमीटर के बाहर नदी कोई इंडस्ट्री होना चाहिए। बात सही है कि जैसे इंडस्ट्रियां पानी साफ स्वच्छ पानी लेती वैसे ही पानी वो बाहर निकाले, उनके लिए खुद ट्रीटमेंट होना चाहिए। म्युनिसिपलिटी का काम है कि जितना वो म्युनिसिपलिटी का पानी उनका ड्रेनेज सिस्टम वो खुद बनाए। हम नदी से पानी ले रहे हैं तो नदी में साफ पानी भेजे, नदी में पॉल्यूटेड वाटर न भेजे। इसके लिए एक पूरी मुकम्मल नीति बनानी पड़ेगी, और क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर, इसमें कोई राजनीतिक बातें नहीं है, ये हमारी सारी लाइफ से जुड़ी हुई है। नदियों पर हमारे लोगों का जीवन निर्भर है, किसानों का जीवन निर्भर है, मछुआरों का जीवन निर्भर है, इसलिए इस पर थोड़ा सा एक व्यापक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। और भारतवर्ष के लोगों को भी अपनी आदतों परंपराओं में भी थोड़ा सा बदलते हुए युग के हिसाब से चेंज भी करने पर, उसके लिए जन अभियान की भी जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि हमको नदियों का भी जीवन है उसके आधार पर एक नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत है जी। और एक अभी लग रहा है कि शायद ये सरकार बहुत गंभीरता से उसकी तरफ बढ़ रही है। खुशालानी साहब, ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ही मुझे लगता है कि नदियों को बचा सकता है। सही फरमाया दीवान साहब जी। सबसे पहली बात ये है कि हमें जिम्मेदारी जो पहली चीज तो यह है कि नदी के किनारे कोई इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसको पानी की जरूरत है, नदी से लेने की जरूरत है, तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वहाँ किसी भी तरह का वो लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए कि जैसा पानी आपने निकाला है वैसा ही पानी आप अंदर डालें। मैं एक बांध के बारे में मुझे पता है कि जिसके चारों तरफ बहुत सारे पावर हाउसेस थे, तो पावर हाउसेस पानी लेते थे बिकॉज उनको कूलिंग के लिए और स्टीम बनाने के लिए चाहिए होता था जी। लेकिन पावर हाउसेस में एक फ्लाई ऐश जनरेट होता है, तो दिन के टाइम तो फ्लाई ऐश जो है वो क्लीन किया जाता था। कई बार कुछ ऐसे भी देखा गया कि रात के टाइम उसको चुपचाप छोड़ दिया गया फ्लाई ऐश को। तो क्या कर रहे हो आप, जिस तालाब से आप पानी ले रहे हो और उस तालाब में अगर आप फ्लैश डाल दोगे तो ठीक है, पॉल्यूटिंग एजेंट नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा, धीरे धीरे सिल्टेशन हो जाएगी और जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो भी खत्म हो जाएगा। तो ये समझ बहुत ज़रूरी है कि जिस पानी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम इंडस्ट्री हमारी चल रही है, अगर उस पानी को हम ख़त्म कर देंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा। लेकिन दूरदर्शिता है नहीं और छोटी छोटी शॉर्ट टर्म नहीं, पैसा बचाना है कि चलिए इसको ट्रीट करेंगे तो जो पैसा खर्च होगा वो थोड़ा पैसा उसमें से जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो उसके अधिकारियों को खिला पिला के बाकी का हम उसको जाने देते हैं। मुझे याद है, जाने देते हैं सर, और मुझे याद है कि पूना नदी के किनारे, पूना में मूला मूसा दो नदियां थी, मैंने देखा था कि सारे जो गार्बेज के जो डंप्स थे वो नदी के किनारे थे, और जो जहाँ पे शव को जलाया जाता है वो भी नदी के किनारे थे। समझ में नहीं आया कि वहां रखने की क्या जरूरत थी। अगर आप बेशक उस पानी उधर को जाने नहीं दो, कुछ तो कूड़ा गिरेगा ही उसके अंदर। तो और कई चीजें हमारी सभ्यता में, जो कुछ चीजें हैं, मैं किसी के धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या विसर्जन जरूरी है? क्या हम लोग जो एशेज हैं, जो हमारे पूर्वजों के जिनका देहांत हो जाता है, एशेज को नदी में डालना क्या जरूरी है? जला के हमने उस शरीर को तो खत्म कर दिया। बहुत सारे हमारे जो आदतें हैं उनको भी हमें चेंज करना बहुत जरूरी है। साहब, इस पे मैं आपत्ति जताऊंगा कि जहां तक आस्था वाली बात है और जो पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है वो फूलों के वजह से, अस्थियों के वजह से नहीं है, क्योंकि ये डाइवर्जनिस टेक्टिक्स है। जहां 70% आपके डोमेस्टिक सीवेज जाकर के मिल रहे हैं, दोनों ही चीजें नहीं, वो आप फैक्ट्स देखें, एक कणा भी नहीं जाना चाहिए नदी के, नदी को आप इतना, मैं दो चीज, ये भी आस्था की बात है। मैं ये कह रहा हूं, आप गंगा को पवित्र मानते हैं ना, आप यमुना को पवित्र मानते हैं, आप उसमें चू डालते हैं कुछ नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी आस्था है, सनातन धर्म, मेरी गंगा की तरफ आस्था है, यमुना की तरफ आस्था है, सनातन धर्म के मुताबिक ही आप जो, आप बहुत सारे लाश को जलाते नहीं है, जो सांप से काटा हुआ है उसको जलाते नहीं हैं आप, जो नेचुरल फॉना, मेरा ये कहने का, अगर अविरलता बरकरार रह गई और जो मेन कंसर्न है डोमेस्टिक सीवेज का 70% है। ओंकारेश्वर जी, थोड़ा रोक करके मैं टोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि जो आप जिस आस्था और उसकी बात कर रहे हो ना, ये परंपराएं अभी भी हैं कि जब नदी किनारे किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, बहुत सारे लोगों में ये आस्था है कि आधा जलाया जाता है, आधा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। और बनारस का किस्सा बताता हूँ कि आज से 20 साल 25 साल पहले वो
उन अधजली लाशों को खाने के लिए इतनी मात्रा में चील हुआ करते थे कि वो वहीं पर वो जो नेचुरल जो एक आपका वॉचडॉग की तरह काम करते थे, प्राकृतिक वल्चर्स, और उसको खा करके वो बैलेंस करते थे। आज की तारीख में वहां एक भी वल्चर नहीं दिखाई देता, अच्छा है, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। उसको हमने खत्म कर दिया, अब नदी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम परंपरा को ही अगर जीवित रखना था तो परंपरा के ही ये सब हिस्से थे। साहू जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, निश्चित रूप से प्राकृतिक जो सोर्सेस हैं उसके साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो चुका है ऑलरेडी, और मुझे जहां तक लग रहा है सिर्फ वो जो गिद्ध हैं उसकी बात नहीं है जी। मैं समझता हूँ जो समुद्र में नदियों में जितने जो जीव थे वो भी लुप्त हो गए। आज देखिए कई ऐसे जीव हैं, मछली तो गए ही, कई ऐसे जीव हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका यही मेन कारण है। आज मैं तो गांव तक का बात कहता हूँ, एक बात बताता हूँ कि गांव में बहुत वैरायटीज ऑफ फिश वहाँ मिलते थे, छोटे छोटे खेतों में भी। आज वहाँ जाइए, वहाँ कोई मछली नहीं नज़र आते हैं, पानी भी सूख गया, उसका लेवल भी चला गया नीचे। ये यही हाल हो रहा है हमारे गंगा नदी का भी। उसमें इतना सेटलमेंट हो गया है, इतना ज़्यादा उसमें जो सैंड है मतलब सिल्टिंग हो गया है कि वो पानी का जो लेवल है वो वहाँ वो सेटल हो नहीं पाता है। वो जो है नीचे पेनिट्रेट होता नहीं है और वो पानी ऊपर ऊपर जरा सा चला जाता है, गंदगी बाहर पड़े रहते हैं और चारों तरफ फैल जाता है, और उसके कारण वो पूरा और सड़ते 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 वो और इतना प्रदूषित हो जाता है कि हम उसका अगर पैरामीटर देखेंगे तो 100% डेंजरस वाटर आप उसको मान सकते हैं। अगर उसको कोई अगर कंज्यूम करता है, ही हैज टू बी हॉस्पिटलाइज। आप यमुना नदी में छठ पूजा होता है, मैं गया एक बार ऐसे ही व्हाइट कुर्ता पैजामा पहन के, एक डुबकी लगाया, मैंने देखा मेरे स्किन में बिल्कुल काले पड़ गए, और मैं फिर डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा ये क्या हो गया डॉक्टर साहब, यहाँ यमुना नदी में मैं डुबकी लगा के आया हूँ। तो कह रहे वहाँ इतने केमिकल हैं कि आप और दोबारा अगर एक आध घंटे वहाँ रह जाएंगे तो आपको एक कई बीमारी जो है स्किन के वो एक साथ पकड़ लेंगे। तो ये इतना खतरनाक हो गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ जितना पॉसिबल है, एक तो ड्रेन जो हैं वो कहीं भी इतने खतरनाक ड्रेन्स को आने ही नहीं दिया जाए। दोनों तरफ से एक बहुत बड़ा, जब बड़े बड़े डैम बना सकते हैं तो दोनों तरफ नदियों के किनारे को क्यों नहीं हम बांध सकते हैं, और बांध के दोनों तरफ उसका बड़े बड़े जैसे बांध बोलते हैं हमारे मनोहर जी, ऐसा बांध बना के उसको रिसाइकल करके और उसको हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर चाहे और कोई उसमें लगाएं, और दोबारा पानी जो है साफ पानी को जो बसता है उसको छोड़ दें। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है करने वाले दुनिया में कई साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, दुनिया की कंपनी हैं जो सरकार से एक रुपया नहीं लेंगे। वो जो साइड में जो खादर की जमीन जैसे अक्षरधाम मंदिर के लिए दे दिया, वैसा जो जमीन, वो जमीन जो है समुद्र जैसे नदी के किनारे जो पड़े हैं, वो नदियों के किनारे ऐसी एक रिजॉर्ट टाइप का डेवलपमेंट होगा जिसका बिल्कुल आज देखिए नदियों के किनारे कचरा, वहाँ जाके आप सांस नहीं ले सकते हैं। और वो ऐसा बना देंगे कि वहाँ फूल फुलियारी बगीचा बगवान पौधे पेड़ फल के बहुत सारे लग सकते हैं, और उसके वो पेड़ पौधे भी उसी से, वो कचरे वाले पानी से उसको सिंचाई हो सकता है और तमाम तरह का डेवलपमेंट हो सकता है वहाँ बहुत सारे। और आप चाहो तो हॉस्पिटल बना सकते हो अच्छा सा, और दोनों तरफ हॉस्पिटैलिटी का बहुत सारा चीज़ें हो सकता है, टूरिज्म का हो सकता है, वो सब करने के लिए लोग तैयार हैं। सरकार का विल पावर नहीं है, लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल विल पावर जो है, अगर वो हो जाए तो मैं मानता हूँ। नहीं, हमारी सरकार देखिए निश्चित रूप से मैं ये बात को रखूँगा ऊपर, और हमारी सरकार मैं मानता हूँ कि ये बात मानेगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं है सिवाय देश और राष्ट्रहित में काम करने के अलावा। चलिए, साहू जी बोल रहे हैं कि कोई स्वार्थ नहीं है, गंभीरता से ये नदी सफाई अभियान बिल्कुल होगी, एक राष्ट्रीय आंदोलन की तरह लेना चाहते हैं। टमटा साहब, आप तो 1986 से आपकी सरकार गंगा की सफाई और नदियों की सफाई के लिए काम कर रही, आप सहयोग करेंगे जी पूरी तरह से इनके काम में? नहीं,
नहीं बिल्कुल भी हम सही के, हमने तो खुद गंगा एक्शन प्लान नेशनल गंगा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। मैं बुनियादी रूप से ये कह रहा हूँ सिर्फ नीचे नहीं, गंगा के सोर्स से लेकर नदियों के सोर्स से लेकर नदियों के अंत तक एक तो पानी के फ्लो को मिनिमम रखने की गारंटी देनी पड़ेगी। जिस तरह की मैं बात सुन रहा था कि बड़े बड़े डैम बना दिए जाए, आज पानी को इस देश नहीं तमाम अन्य विदेशी ताकतें भी इसके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने की नजर गाड़ी है। हमको पानी को जीवन का आधार बना, एक तो नदियों के मिनिमम पानी फ्लो को बनाने की इसमें गारंटी होनी चाहिए। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। नदियों के आसपास किनारे किसी भी तरह की कोई फैक्ट्रियां जो पॉल्यूटेड हैं उस पर बनने पर प्रतिबंध होना चाहिए, जो पहले भी एक नीति बनाई गई है। कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे कि हम अपनी नदियों के पानी के फ्लो को जारी रख सकते हैं। साहब मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं। जो सीवेज का वाटर है उसके अंदर विद इन शहर उस पर जी इंजीनियर साहब कुछ भी कर सकते हैं और प्राकृतिक जो मापदंड है उसके आधार पर बहुत कुछ किया जा सकता है। आज ये विल पावर जो है आपके प्रधानमंत्री की 10 साल में एक मीटिंग ने लिए गंगा एक्शन प्लान बना देने से क्या होता है? मैं आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। हाँ किसने कहा नहीं मिले? अरे देखिए मेरे पास रिकॉर्ड है, हमारे प्रधानमंत्री ने ही उस गंगा एक्शन प्लान बनाए, हमारे नहीं प्रधानमंत्री गंगा कोई, को राष्ट्रीय आप बताइए कौन से डेट को मिले हैं आज तक गंगा नदी। लेकिन लेकिन ये देखिए जो बजट अरबों रुपए का खरबों रुपए का बजट आया है नदियों में 15,000 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ 10 साल में, 15,000 और 25,000 करोड़ आएगा। खुशालानी साहब ये पैसे से होगा क्या? अरे जी डीपीआर बनाने में आप दो सवाल तो काम क्या होगा? क्या है सवाल? पार्टी शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म तीन प्लान होना चाहिए था जी। 90 डेज 180 डेज कोई प्लान होना चाहिए था, शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म वो प्लान नहीं है। सब होगा निश्चित सवाल होगा, चल रहा है ये सवाल चल रहा है बहुत गति में चल रहा है। अरे एक्सपर्ट लगे हैं हम लोग भी लगे हैं। आप पूरे चर्चा में एक बात आई थी कहीं ना कहीं की आस्था की तरफ भी जी। लेकिन आप तो कहीं पर भी कोई नया दृष्टिकोण लेके नहीं। देखिए सवाल है योजना बनना और अरबों खरबों रुपए जो आएंगे उस पैसे का ठीक से टमटा साहब साहू साहब उस पैसे का ठीक से अगर इस्तेमाल होगा तभी ये हम कुछ हासिल कर पाएंगे। और जहां तक आस्था का की बात कर रहे थे ओमकारेश्वर जी, ये कहीं से आस्था मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ, किसी भी नदी में कहीं भी किसी भी धार्मिक जगह पे चले जाइए, नदी पे चले जाइए, लोग पूजा करते हैं, फूल डालते हैं, वो सा डालते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वो तो बायोग्रेडेबल है फूल, वहाँ जाके मछली खा लेगी, वहाँ के जानवर खा लेंगे, लेकिन हम नदी के अपने स्वास्थ्य को चोक कर रहे हैं। हम पूजा करते हैं उसके बाद वो पॉलिथीन लेके वो भी नदी में ऐसा फेंक देते हैं। मैं 99% लोगों को ये करते देखता हूँ, उसमें बहुत पढ़े लिखे, बहुत अमीर से लेके बहुत गरीब, सब अक्रॉस द लाइन सब उसमें शामिल हैं। तो जब तक लोग तय नहीं कर लेंगे कि हमें अपनी नदी को स्वच्छ रखना है, साफ करना है, हमें अपनी देखिए परंपराएं बहुत होती हैं लेकिन परंपराओं को भी आप पर्यावरण के अनुरूप ढाल सकते हैं। मैं यहीं पे चर्चा खत्म करूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग चर्चा में आए, बातचीत की, और कल फिर हम किसी नए विषय और नए पैनल के साथ मीडिया ट्रायल में हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।